गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र से प्राप्त सभी जानकारियों को गांव तक किसानों तक पहुंचाने का एक योजना तैयार की, जिसमें हमने पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के एक छोटे से वनवासी गांव पाथुरुड़ी गांव का चयन किया और वहां जाकर के किसानों के बीच में गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग किस प्रकार से वो अपने दैनंदिन जीवन में कर सकते हैं, इसके छोटे छोटे प्रयोग किए। जिस प्रकार गोबर गौमूत्र से खेती, गोबर से गोबर गैस प्लांट के माध्यम से घर का चूल्हा जलाना, गोबर गौमूत्र से छोटी छोटी बीमारी और बड़ी बीमारी का भी सरलता से इलाज, इसके अलावा घरेलू उपयोग में जैसे बर्तन धोने का पाउडर, दंत मंजन, धूपबत्ती, इन सब विषयों में भी गोबर गौमूत्र का उपयोग किस प्रकार से हो सकता है, इसका प्रयोग हमने गाँव के लोगों के बीच में किया और जिसका हमको बहुत ही कम समय में देखते ही देखते और कुछ ही महीनों के अंदर हमको ऐसे चमत्कारी परिणाम मिले कि हमको खुद को आश्चर्य होने लग गया कि गोबर गौमूत्र इतना प्रभावी हो सकता है। तो गांव के हर व्यक्ति तक इस विषय को पहुंचाने की ज़रूरत है और हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि अगर गांव का हर व्यक्ति गोबर गौमूत्र की महिमा को समझ जाए तो जीवन में कभी भी गाय को अपने से अलग नहीं करेगा, गाय को कसाई के हाथ नहीं बेचेगा और इस तरह जब गाय बिकेगी नहीं और कसाई के हाथ जाएगी नहीं तो गाय कटेगी भी नहीं और संपूर्ण गोवंश की स्वतः ही बिना झगड़े के रक्षा हो जाएगी।